My name is Khwaish from 6th standard from Learning Temple School. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी फिजिकल क्लासेस अच्छी तरह से नहीं हो पा रही थी, आज से हमारी फिजिकल क्लासेस अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुकी हैं और वी आर वेरी हैप्पी. जैसा ही हमने स्कूल में एंटर किया, हमारे टीचर्स ने हमें सैनिटाइज किया एंड हमारे मास्क चेक किया एंड हमें सोशल डिस्टेंसिंग में क्लास में भेजा. जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम आज से स्कूल आए हैं वैसे और अच्छा हो गया है. हेलो एवरीवन, आई एम राजू फ्रॉम 2nd क्लास. जैसे कि आप सबको पता है कि ये कोरोना वायरस 2020 में शुरू हुआ था और जिससे हमारे स्कूल भी बंद हो चुके थे. जैसे कि आप सबको पता है इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है और हमारे स्कूल भी रीओपन हो चुके हैं. और हमारे टीचर्स ने कहा है हमको पहले तो हम अपने फेस पे मास्क लगा कर चलें, अपनी पॉकेट में सैनिटाइज़र रख के चलें और 6 फीट की दूरी बना कर चलें. अब मैं गौर से यही प्रे करना चाहूँगा कि आगे से कोई भी वायरस कभी ना आए और जैसे हमारे स्कूल चलते हैं वैसे ही चलते रहे. मैं नरेश कुमार, चेयरमैन लर्निंग टेम्पल हाई स्कूल कठुआ. और जैसा अभी आपने बताया कि आज फर्स्ट डे है क्लास फर्स्ट टू एट्थ के लिए, तो COVID-19 के चलते मार्च से स्कूल बंद थे, बच्चे भी घर पे थे. और आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस तरह से फिर से सिचुएशन अब जो अंडर कंट्रोल है और सरकार के जो आदेश आए हैं उन्हीं आदेशों के अनुसार आज कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने स्कूल में वो फिज़िकली क्लासरूम्स में बैठे हैं, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो ये हमारे लिए सब प्रथम बहुत खुशी की बात है, सभी टीचर्स के लिए भी, और मैं समझता हूँ ये पेरेंट्स के लिए भी एक खुशी और राहत की बात रहेगी कि स्कूल फिर से लग गए हैं. 1st February से क्लास 9th to 12th के बच्चे तो आ ही रहे हैं, अब आज जो है 8 तारीख से क्लास 1st to 8th के स्टूडेंट्स भी आ गए हैं स्कूल में. और जैसा कि आप देख ही रहे हैं हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, तो बहुत जो SOPs हैं उनका ध्यान रखते हुए ही बच्चों को अंदर दाखिल किया जा रहा है, क्लासेस में भेजा जा रहा है. तो गेट पर ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, हैंड सैनिटाइजेशन हो रही है और फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है. अभी हमने बीच में ब्रेकर्स भी लगाए हैं ताकि बच्चे थोड़ी थोड़ी गैप बना के प्रॉपर जो है वो आगे क्लासरूम में बढ़ें. इसके साथ साथ जहाँ तक आज बच्चों की जो प्रेजेंस है, जो अटेंडेंस है, तो कंपैरेटिवली हमने और बहुत सारे स्कूल्स में जहाँ स्ट्रेंथ का अच्छी स्ट्रेंथ है वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, तो उन्होंने अल्टरनेटिव बेसिस पर भी बच्चों को स्कूल बुलाया है. जैसे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक ग्रुप बनाया गया है और ऐसे ही ट्यूसडे को और थर्सडे एंड सैटरडे का एक ग्रुप बनाया गया है. तो इनमें ग्रुप करके अभी कुछ देर के लिए इस पूरे प्रावधान को अपनाया जाएगा ताकि बच्चे का जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे और किसी तरह की भी कोई परेशानी आगे आने वाले समय में ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे आज स्कूल आए हैं. पूरी प्रॉपर व्यवस्था की गई है, इससे पहले इनके आने से पहले स्कूल सैनिटाइज हुए हैं, क्लासरूम्स पूरी प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किए गए हैं. अभी कुछ बच्चों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दी गई है, उनकी गाड़ियां भी सैनिटाइज हुई हैं. तो हर तरह से ध्यान रखा जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चे अच्छे से स्कूल आएंगे, पढ़ाई करेंगे. और जो बीच में गैप रहा, हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों ने पढ़ाई की राइट फ्रॉम मार्च टू जनवरी तक, तो अब जो है फिजिकली बच्चे स्कूल में आ रहे हैं. फिर भी हम इसको हाइब्रिड मोड पे रखेंगे, तो एक दिन बच्चा ऑनलाइन अभी भी स्टार्ट पढ़ाई करेगा, एक दिन बच्चा फिजिकली स्कूल में आकर पढ़ाई करेगा और 20 फरवरी के बाद अगला नया जो सिस्टम है उसको भी हम फॉलो करेंगे. तो ऑन द होल आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को भी मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि सभी स्कूल्स में अच्छा प्रबंध है
और सैनिटाइजेशन प्रॉपर है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जा रहा है, आप मास्क लगाकर बच्चे को कंपलसरी मास्क देकर भेजें। आज भी बच्चे जो आए हैं उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, तो पेरेंट्स का बहुत कोऑपरेशन है, टीचर्स की पूरी तरह से उस चीज़ के लिए सजग हैं, तो अभी क्लासेस फिजिकली लगेंगी, बच्चे स्कूल रेगुलर आएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला सेशन भी जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। जो स्टडीज़ में लॉस हुआ है उसके लिए रेमेडियल क्लासेस के थ्रू भी हम वो प्रोसेस को कैरी ऑन रखेंगे।